तेजस्वी का सीएम नीतीश पर बड़ा हमला। बिहार में शराबबंदी पर हमलावर हुए तेजस्वी। सीएम नीतीश को बताया सबसे बड़ा शराब माफिया। बिहार में शराब की अवैध बिक्री और राज्य सरकार के मंत्री के एक घर से कथित तौर पर शराब की बरामदगी के आरोप को लेकर आरजेडी नीतीश कुमार की सरकार पर हमलावर है। बुधवार को विधानसभा तो गुरुवार को तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला, साथ ही कई आरोप लगाए। तेजस्वी का निशाना, असली में सबसे बड़ी शराब माफिया तो सरकार है। सरकार के संरक्षण में शराब बिक रही है। मौजूदा सरकार के एमएलए नशे में ठुमके लगाते हैं। गरीबों को कर रहे परेशान, मंत्री बेच रहे शराब। नीतीश कुमार की जानकारी में हो रहा सारा खेल। बिहार की नीतीश कुमार की सरकार के 64% मंत्री दागी। चुनाव जीतने के लिए हर हथकंडे अपनाती है बीजेपी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बोलते बोलते यहां तक कह दिया कि बिहार में अगर सबसे बड़ा शराब माफिया कोई है तो वो है नीतीश कुमार, क्योंकि उनके संरक्षण में शराब का धंधा फल फूल रहा है। बिहार में इतना कुछ हो रहा है लेकिन उन्हें ही पता नहीं होता। सरकार अगर वो चला रहे हैं, प्रशासन वो अगर चला रहे हैं तो दोषी कौन होगा? अगर कोई कार्रवाई होती भी है तो सिर्फ दलितों, गरीबों, वंचितों, लाचारों, किसानों और अति पिछड़ा लोगों पर होती है। मौजूदा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए तेजस्वी बोले कि शराब के मामले में आज तक किसी भी बड़े आदमी पर कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार सरकार के 64% मंत्री दागी हैं। साथ ही कहा कि मंत्री और विधायक ही शराब कारोबार में लिप्त हैं। एक मंत्री के भाई के स्कूल से शराब बरामद हुई और उस मामले में क्या कार्रवाई हुई यह किसी को पता नहीं। पूरे एडमिनिस्ट्रेशन पे कंट्रोल है नीतीश कुमार जी का, पार्टी में कंट्रोल है नीतीश कुमार जी का, सरकार में कंट्रोल है नीतीश कुमार जी का, लेकिन किसी पे भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। कौन नहीं कर रहा? अनजान कौन है इन सब मसलों से? नीतीश कुमार जी भाई, कैसे आप सरकार चला रहे हैं? कैसे आप पार्टी चला रहे हैं? क्या आपके मंत्री यों का आपको जो पता नहीं होता? तो इसलिए हम लोग लगातार इस मसले को उठाते रहे कि बिहार में एक पैरेलल मार्केट बन गया है शराब को लेकर के। लगभग 20,000 करोड़ का एक ब्लैक मार्केट अलग से बन गया है। आजकल सबसे अच्छा व्यवसाय करना, सबसे मुनाफेमंद व्यवसाय करना हो गया शराब की बेची बिक्री करो, सबसे ज़्यादा मुनाफा अगर होगा। और आप बताइए, मंत्री जी का स्कूल है ये, जो पिक्चर जो आप देखेंगे ये मंत्री जी का स्कूल है। अब ये स्कूल है श्री अर्जुन मेमोरियल ज्ञान विद्या मंदिर, नाम सुनिए, ये ज्ञान विद्या मंदिर है। और इस ज्ञान विद्या मंदिर में मंत्री जो है वो शराब बिकवाने का काम कर रहे हैं। साथ ही तेजस्वी यादव ने मांग की है कि मंत्री रामसूरत राय को बर्खास्त किया जाए और मंत्री जी सबूत के साथ जवाब दें। अगर उनके भाई और परिवार के लोग इसमें शामिल हैं तो क्या सबूत चाहिए? आरजेडी नेता ने कहा कि नीतीश जी बेबस, कमजोर, मजबूर और थके हुए सीएम हैं। वहीं प्रदेश के राजस्व और भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने तेजस्वी यादव के आरोपों पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष की शराबबंदी संबंधित सवालों पर की गई टिप्पणी की आलोचना करते हुए आरोपों को सही साबित करने की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने खुद के दोषी पाए जाने पर इस्तीफा तक देने की घोषणा कर दी। अब गुनाह इतना ही है कि मेरे छोटे भाई के नाम से, जो विगत 10 वर्षों से हमसे अलग है, कोई मतलब नहीं है, और वहाँ पर वह जमीन होने के कारण उसको ये लगता है कि माननीय मंत्री जी इस्तीफा दे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि किसी के बोर्ड पर नाम लिखने से उस व्यक्ति को अगर जोड़ता है तो मैं कहना चाहूँगा कि इसे विधानसभा के प्रथम स्पीकर हमारे ही विधानसभा के नाम दयालु बाबू हैं, उनके नाम पर हाई स्कूल वहाँ कोई दारू का बरामदगी होगा तो क्या हो, रामदयालु इस्तीफा देंगे?
और इस्तीफा की ही बात अगर है तो अगर नैतिकता के आधार पर बात करते हैं विपक्ष के नेता हमारे तेजस्वी यादव जी, तो पहले वो चारा घोटाला में जो उनके पिताजी जेल में बंद है वो इस्तीफा दे, मैं इस्तीफा दूंगा। और मैं कहता हूँ कि मैं अगर दोषी हूँगा तो ये मंत्री परिषद नहीं, मैं जीवन से इस्तीफा देने वाला व्यक्ति हूँ। उस व्यक्ति को पता नहीं है अभी कि मैं किस खानदान से आता हूँ। पक्ष और विपक्ष की तू-तू मैं-मैं के बीच बजट सत्र में हंगामा लगातार बढ़ता चला गया, लेकिन आगे ये देखना दिलचस्प होगा कि किन बिंदुओं पर पक्ष सही साबित होता है और कितने बिंदुओं पर विपक्ष, क्योंकि बिहार सरकार ने अपनी पोटली खोल दी है और ना जाने कितनी योजनाओं को और संशोधनों की बातें कही है, लेकिन सवाल यही है कि क्या ये योजनाएं और वादे कभी धरातल पर उतरेंगे या फिर कागजों में सिमट कर रह जाएंगे। क्या हमेशा की तरह एक बार फिर नेताओं की बातें जुमलेबाजी ही साबित होगी।